मध्य प्रदेश की राजनीति में नदी संरक्षण का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आता हुआ नजर आ रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान नर्मदा परिक्रमा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बाद अब कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता नदी बचाओ पदयात्रा पर निकले हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में नदी का संरक्षण एक बार फिर चर्चा में है। गजब की बात है कि नदियों के संरक्षण की बात इससे पहले जब भी भाजपा ने की तब तब कांग्रेस ने यह कहा कि भाजपा का यह शगल है कि वो इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के हथकंडे के लिए करती है। अब इस बार चंबल की नदियों के संरक्षण का बीड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने खुद उठाया, जो इससे पहले इस प्रकार के कदमों का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। हालांकि 2022 के चुनावों से पहले अपने आप को चुनावी राजनीति से दूर करने की घोषणा कर चुके डॉक्टर गोविंद सिंह को अब अचानक नदी के बचाव और संरक्षण की जरूरत क्यों आन पड़ी, यह तो वही बताएंगे। अभी फिलहाल तो यही लगता है कि चंबल संभाग की 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की मजबूरी ने डॉक्टर सिंह को नदी बचाने की याद दिलाई है। हालांकि गोविंद सिंह ने अपनी यात्रा को गैर राजनीतिक साबित करने के लिए जलपुरुष राजेंद्र सिंह और पीवी राजगोपाल को भी इस यात्रा में शामिल किया है। तो वहीं लहार विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह की नदी बचाओ पदयात्रा का विरोध का ग्रहण पहले दिन से ही भरपूर लगा हुआ है। इस विरोध में शायद लोगों का गुस्सा छिपा हुआ है। यही वजह है कि उनके आने से पहले ही उनके स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टरों पर कालिख पोत दी गई। हालांकि गोविंद सिंह इसको भाजपा की साजिश बता रहे हैं और इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। बात सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है वो हिंसात्मक है। कल इन्होंने हमारे धरने में हमारे कांग्रेस पार्टी के नौजवान लोगों को रोजगार दिलाने के धरने पर हमला किया। आज हमारे यहाँ राजपुरा गांव है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके संरक्षण में यहाँ रेत माफिया पड़प रहे थे, उन्होंने जहाँ हमारा पेड़ की छाया के थे वहाँ पानी भरवा दिया ट्यूबवेल से। हम लोगों को बैठना भी उनको कुछ नहीं करना। इसके अलावा आज हमारे जहाँ तनखाई की यात्रा होने वाली थी वो बोर्ड में कौन खोल दिया। ये लोग हिंसात्मक काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जनता का इनमें विश्वास नहीं है, जनता का इनमें समर्थन नहीं है, इसलिए ये हिंसात्मक तरीके से आतंकवाद फैलाने का काम। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सिंधिया के कट्टर समर्थक रमेश दुबे ने साफ साफ कहा कि भिंड में रेत का खनन करने वाले ज्यादातर लोग डॉक्टर गोविंद सिंह के हैं। उन्होंने पदयात्रा में शामिल होने वाले तमाम रेत कारोबारियों और खूंखार अपराधियों का जिक्र तक कर दिया। तो वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने तो उन्हें पदयात्रा छोड़कर पूजा पाठ करने की सलाह तक दे डाली। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल के दौरान अवैध उत्खनन को लेकर लहार से भाजपा के उम्मीदवार रहे रसाल सिंह ने खदान में ही तत्कालीन मंत्री और वर्तमान में लहार से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ धरना दे दिया था। देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर वह पूरी तरह निराधार है। जो कालिख उनके पोस्टर पर पोती गई वह जनता का विरोध है उनके प्रति, क्योंकि आम जनता इतना भयभीत है उनसे कि वो उनके सामने तो जा नहीं सकती विरोध करने के लिए। तो वहां की जनता ने अपना विरोध स्वरूप यह कालिख पोती है, ऐसी जानकारी मुझे मिली।
इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पास में अब कोई बात कहने के लिए नहीं बची सिवाय भाजपा को कोसने के और भाजपा के नेताओं को कोसने के। वह बम मिला तुरंत ही उनका स्टेटमेंट आ गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम, जबकि बाद में मालूम पड़ा गया पूरी तरह शरारतपूर्ण किया गया कार्य था। डॉक्टर गोविंद सिंह की जो ये यात्रा निकली है ये पूरी तरह फेल हुई है और पूरी बच्चा बच्चा जिले का प्रदेश का संभाग का जानता है कि रेत खनन में किसका हाथ है और कौन उसका संरक्षक है। उनके साथ जो भीड़ चल रही थी वह पैसों से जुटाई हुई रेत माफियाओं के द्वारा जुटाई हुई और रेत माफियाओं की जो टीम चल रही थी वह भीड़ उनके साथ में थी और इसके अलावा कुछ नहीं। अभी चंबल में एक पूर्व सहकारिता मंत्री एक पदयात्रा निकाल रहे हैं नदी बचाओ खनन नहीं हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अंतरात्मा में झांक के देखें वास्तव में इस 15 महीनों की सरकार में कितना खनन हुआ और आज भी जो टेंडर हुए तो उसमें कौन लोग थे। हमारे समय में अभी टेंडर कोई नहीं हुए हैं वहाँ चंबल में, एक कांग्रेस के कार्यकाल के टेंडर है, कांग्रेस के समय के वहाँ ठेकेदार था उसका कोई रेड्डी या कोई बंधु है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जिस तरह 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा का फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिला था उसी तरह से ये पद यात्रा भी ग्वालियर चंबल के जंग में पार्टी के लिए निर्णायक साबित होगी। एमपी न्यूज के लिए भिंड से मनीष ऋषिश्वर की रिपोर्ट।